नगर परिषद ओमकारेश्वर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण, मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान एवं नर्मदा नदी में डूबते हुए लोगों को बचाने वाले लोगों का सम्मान किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष साफ सफाई का भी संदेश दिया गया। वहीं पार्षद पति ओमकारेश्वर पंडा, संघ अध्यक्ष नवल किशोर शर्मा द्वारा मेरिट लाने वाले विद्यार्थियों को टू व्हीलर की घोषणा एवं विद्यार्थियों के सफल सुखद भविष्य की कामना की। वही वार्ड पार्षद दिनेश पेंटर द्वारा आभार व्यक्त किया गया। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग यहाँ पर आए, अपना समय दिया, समस्त नागरिकगण, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। वहीं आपको बता दें कि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा कर्मचारी नरेंद्र मौर्य को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया। नरेंद्र को सभी कर्मचारियों की ओर से बहुत बहुत बधाई दी एवं TI मानदाता जगदीश पाटीदार को अच्छी सेवा के लिए जिला मुख्यालय पर सम्मानित किया गया। वहीं आपको बता दें कि थाना मानदाता TI जगदीश पाटीदार को श्रावण मास में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र जिला मुख्यालय द्वारा मंत्री श्री विजय लक्ष्मी साधो ने सम्मानित किया। श्रावण मास श्री ओंकारेश्वर चौतरी में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें हम उनसे चर्चा करते हैं। सर आपका शुभ नाम? जगदीश चंद पाटीदार जी। सर आपको सम्मानित किया गया था जिला मुख्यालय पर 15 अगस्त के दिन, तो किस उपलक्ष्य में किया गया था? ये ओंकारेश्वर श्रावण महीने की जो काफी भीड़ आती है यहाँ पे जी, और गर्भगृह में प्रवेश द्वार एक ही है और निकासी का रास्ता एक ही है, वहाँ पर काफी रस रहता है। उसमें मतलब ड्यूटी आर रहती है और इन ड्यूटियों को मतलब लगन और मेहनत से करने के उपलक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और खंडवा कलेक्टर महोदय के द्वारा आज एक प्रशस्ति पत्र दिया गया मेरे को, और मेरे साथ हमारे थाने की 7 लड़कियां हैं, नई लड़कियां, उनको भी दिया गया जी। सर जैसा कि आपने बताया कि श्रावण मास में उत्कृष्ट सेवा के लिए, तो इसमें मंदिर ट्रस्ट ने भी अपने एक कर्मचारी को दिया गया था, वो मंदिर ट्रस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार से किसी समस्या का या किसी उद्बोधन हुआ था? नहीं, मुझे इस मंदिर समस्या से बताया। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं भगवान श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की सेवा के लिए आने वाले भक्तों के लिए श्रीमान जगदीश जी पाटीदार ने उत्कृष्ट सेवा दी थी श्रावण मास में, उनकी प्रस्तुत आपके सामने पेश है। इंडिया न्यूज A9 के लिए रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। वही आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मिठाई वितरित की गई, जिसमें लड्डू का प्रसाद बांटा गया। वही ध्वजारोहण को लेकर बच्चों में और बड़ों में खुशी की लहर दिखाई दी। न्यूज इंडिया A9 के लिए रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट।